ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजू त्रिपाठी जी पहुंचे सोमनाथ। साथ में ब्राह्मण समाज के नेता विवेक मिश्रा जी हैं, जिन्होंने द्वारिकाधीश से ही सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग त्रिवेणी संगम में हैं, गुजरात में। यहाँ तीन नदियों का समागम है, तीनों नदियाँ समुद्र से टकराती हैं। यहाँ का दृश्य कैसा लग रहा है विवेक भाई, सारी जानकारी आप हमारे सभी दर्शकों को दें। जैसा कि मैंने सुना था कि केवल संगम जो है तो हमारे यहाँ यूपी के इलाहाबाद में है, जिसे त्रिवेणी प्रयागराज के नाम से है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सोमनाथ में आए तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि एक संगम है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। हम चाहते हैं कि आप भी इस नज़ारे को देखें, जहाँ पे कि तीनों नदियाँ समंदर में जाकर मिलती हैं और इस नदी के बाद आप देख रहे होंगे एक रेत का टीला है, उसके बाद पूरा समंदर शुरू हो जाता है। तो हम चाहेंगे आप भी इस नज़ारे को देखें। ये सामने जो दिख रहा है वो समंदर है और दिखता है ये संगम दिखा दिया, ये संगम है यहाँ पे। साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संगम है जो समुद्र और तीनों नदियों का टकराव है, हम लोग उसी सेंटर से आज वीडियो लाइव किए हुए हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं, रात में कल हम लोग आज सवेरे हम लोगों ने बाबा सोमनाथ जी के दर्शन किया, अभिषेक किया, दूध से बेलपत्ती सारी सामग्रियाँ यहाँ पे हम लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में और एक साथ सभी का 14 लोग हम लोग आए हुए हैं रीवा से, नहीं सॉरी हम लोग 12 आदमी आए हुए हैं रीवा से, 2 आदमी कटनी से हमारे साथ हैं और सभी ने मिलकर बड़े उत्साह के साथ अभिषेक किया। अभी आज पूरा दिन हम लोग गुजरात में ही हैं, कल हम लोग फिर से सोमनाथ जी के श्रावण का तिथि सोमवार है, सॉरी चतुर्थ सोमवार है और अंतिम सोमवार है। आप सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग सोमनाथ दर्शन पे आए हुए हैं। आज एक ऐसी जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहां भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था और वो लेटी हुई मुद्रा पे हैं। तो आइए उस जगह का आपको दर्शन कराते हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण लेटे हुई मुद्रा पे हैं, उनको तीर लगा हुआ। आप सभी को दिख रहा होगा कि भगवान लेटी हुई मुद्रा में है। एक पीपल का वृक्ष भी है जिस पीपल के झाड़ के नीचे, वो वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण लेटे थे, उस वृक्ष को भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वही पीपल का वृक्ष है जहाँ भगवान श्री कृष्ण लेटे थे, ये उनकी प्रतिमा है जहाँ लेटी हुई मुद्रा में है वो। ये पूरा मंदिर है, ये प्रांगण है पूरा, बहुत ही खूबसूरत है। ये सोमनाथ जी के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ही शांति वाली जगह है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। आप जब कभी भी आए यहाँ तो दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद।